तहरीक इंसाफ और JUI के दरमियान रबता जमीयत उलमा इस्लाम ने तस्दीक कर दी। कैसर ने मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं के माबैन मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। उधर चौधरी शुजात हुसैन की भी परवेज इलाही से अडियाला जेल में मुलाकात। ढाई घंटे जायद मुलाकात में चौधरी सालिक और दीगर भी शरीक रहे। मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। परवेज इलाही की सेहत और जेल में मैसर सहूलियात पर भी बात हुई। कभी कहते हैं हमने 180 सीटें जीती, फिर कहते हैं 150 सीटें। कभी कहते हैं पीपल्स पार्टी से राबते में हैं, कभी कहते हैं कि राबते में नहीं है। नून लीग के रहनुमा मरियम औरंगजेब की PTI पर तनकीद। सोशल मीडिया पर लिखा, जहां जीते वहां इलेक्शन कमीशन को शाबाश और जहां हारे वहां इलेक्शन कमीशन का घेराव और एहतजाज। इनकी क्या दिमागी हालत है? ये 9 मई के मास्टर माइंड हमेशा की तरह मुल्क में सिर्फ और सिर्फ इंतशार और फसाद चाहते हैं। और वफाकी काबीना ने गैस की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। इक्तिसादी राबता कमेटी के इजलासों में लिए गए फैसलों की तौसीक की गई। काबीना ने दोहरी शहरियत के हामिल मुलजिम इरफान कादिर भट्टी को नॉर्वे के हवाले करने की मंजूरी दी। सैयद तारिक मोहम्मद को MD बैतुलमाल मुकर्रर करने की भी मंजूरी दे दी गई।